Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thanks. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। चलिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फॉरेनर्स और लोकल्स की जो बाइंग सेलिंग है उसकी क्या पोजीशन रही है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। फॉरेनर्स जो है वो नेट सेलर पे हैं आज। 1.12 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है, 11.38 मिलियन यूएस डॉलर की क्रॉस बाइंग की है, जबकि 12.50 मिलियन यूएस डॉलर की क्रॉस सेलिंग है, जो कि नेट सेलिंग है 1.12 मिलियन यूएस डॉलर की। फॉरेन इंडिविजुअल जो है वो 0.02 मिलियन यूएस डॉलर के साथ बाइंग पे हैं, जबकि फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 2.27 मिलियन यूएस डॉलर की क्रॉस बाइंग की है, जबकि 6.12 मिलियन यूएस डॉलर की क्रॉस सेलिंग हुई है। नेट सेलिंग जो फॉरेन कॉरपोरेट्स ने की है वो 3.85 मिलियन यूएस डॉलर की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 9.08 मिलियन की बाइंग की है, जबकि 6.32 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। नेट बाइंग जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से 2.76 मिलियन यूएस डॉलर की हुई है। लोकल्स की अगर बात करें तो इंडिविजुअल जो है वो टॉप बायर हैं आज के 2.35 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। इंश्योरेंस कंपनीज दूसरे नंबर पे हैं 2.22 मिलियन यूएस डॉलर की। ब्रोकर्स जो हैं वो भी आज बाइंग साइड पे थे 1.25 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। कंपनीज ने 0.99 मिलियंस की बाइंग की है। एनबीएफसी की तरफ से 0.55 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग हुई है। आज के जो सबसे बड़े सेलर रहे हैं वो बैंक्स ऑफ लीग डीएफआई रहे हैं, 4.68 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग हुई है। दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड रहे हैं 0.95 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.62 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। फॉरेनर्स को जो है वो चेक कर लेते हैं कि फॉरेनर्स ने किन सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स ने जो है वो सेलिंग की अगर बात करें तो ईएनपी, बैंक्स और सीमेंट्स में फॉरेनर्स मेनली सेलिंग पे थे आज। ईएनपी में जो है 0.58 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है, बैंक्स में 0.59 मिलियंस की, और सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो सीमेंट्स में की है 0.99 मिलियन यूएस डॉलर की। बाइंग जो है वो फर्टिलाइज़र, टेक्नोलॉजी और अदर सेक्टर में की गई है फॉरेनर्स की तरफ से। फर्टिलाइज़र में 0.53 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है, टेक्नोलॉजी में 0.34, जबकि अदर सेक्टर में भी 0.60 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग हुई है फॉरेनर्स की तरफ से। लोकल्स में से जो है वो इंडिविजुअल टॉप बायर हैं आज के, 2.35 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग हुई है। तो इंडिविजुअल को भी चेक कर लेते हैं। इंडिविजुअल ने जो है वो बाइंग जो है वो बैंक, सीमेंट्स और फर्टिलाइजर सेक्टर में की है। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर सेक्टर में हुई है 3.83 मिलियन यूएस डॉलर की, उसके बाद सीमेंट सेक्टर था 1.68 मिलियन, जबकि बैंक्स में 0.98 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग जो है वो ईएनपी, ओएमसी और अदर सेक्टर में की है। ईएनपी में 1.01 मिलियन की, ओएमसी में 1.38, जबकि अदर सेक्टर में 1.84 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग हुई है इंडिविजुअल की तरफ से। इंश्योरेंस जो है वो आज के दूसरे बड़े बायर थे, 2.22 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है इंश्योरेंस ने। तो इंश्योरेंस जो है वो अगर बाइंग देखें तो इंश्योरेंस फर्टिलाइज़र, ओएमसी और अदर सेक्टर में बाइंग पे था। फर्टिलाइज़र सेक्टर में 0.35 मिलियन की बाइंग की है, ओएमसी में 0.67, जबकि अदर सेक्टर में 1.40 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। सेलिंग जो है वो बैंक्स और ईएनपी में की गई है, बैंक्स में 0.40 जबकि ईएनपी में 0.08 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग हुई है इंश्योरेंस की तरफ से। आज के जो सबसे बड़े सेलर थे वो बैंक्स ऑफ लीग डीएफआई थे, 4.68 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की गई है। तो बैंक्स को भी चेक कर लेते हैं कि इन्होंने किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग की है। तो सीमेंट्स, ओएमसी और अदर सेक्टर जो हैं ये बड़े सेक्टर थे जिनमें इनकी तरफ से सेलिंग हुई है। सबसे जो ज़्यादा सेलिंग की गई है वो ओएमसी सेक्टर में की गई है 2.22 मिलियन यूएस डॉलर की, उसके बाद सीमेंट सेक्टर रहा है 1.14 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि अदर सेक्टर में भी 0.72 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है। बाइंग जो है वो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी सेक्टर में की है 0.01 मिलियन यूएस डॉलर की। म्यूचुअल फंड ने भी आज सेलिंग साइड पे थे, 0.95 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की गई है म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो म्यूचुअल फंड को भी चेक कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड ने जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो फर्टिलाइज़र, पावर और अदर सेक्टर में की है। फर्टिलाइज़र में जो है वो 2.22 मिलियन यूएस डॉलर की सबसे ज़्यादा सेलिंग की गई है, उसके बाद पावर में 0.11, जबकि अदर में 0.62 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की गई है।
बाइंग जो है वो ईएनपी और ओएमसी में की गई है। ईएनपी में सबसे ज़्यादा 1.33 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है, जबकि ओएमसी उसके बाद बड़ा सेक्टर था जिसमें म्यूचुअल फंड आज बाइंग पे थे। 1.02 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है म्यूचुअल फंड ने। तो ये आज का डाटा था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का।